दोस्तों ये है बनासकांठा जिला, जो कि भारत के गुजरात राज्य के 33 जिलों में से एक है। बनासकांठा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय पालनपुर में है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। ये जिला गुजरात के उत्तर पूर्व में स्थित है और संभवतः इसका नाम पश्चिम बनास नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि माउंट आबू और अरावली रेंज के बीच की घाटी से होकर इस क्षेत्र में गुजरात के मैदानी इलाकों और कच्छ के रण की ओर बहती है। ये जिला अंबाजी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कई पर्यटकों को आकर्षित करता है, और ये जिला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। बनासकांठा अपने हीरों और सुगंधित सुगंधों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं बनासकांठा के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। पूर्व में साबरकांठा जिला, पश्चिम में कच्छ जिला, उत्तर में राजस्थान राज्य और दक्षिण में पाटन जिला और मेहसाणा जिला से घिरा हुआ बनासकांठा जिला कुल 12,703 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रशासनिक संरचना की बात की जाए तो बनासकांठा जिले के अंतर्गत 7 सब डिवीजन पालनपुर, दांता, धनेरा, देवदार, डीसा, थराद, सुईगाम, 16 तालुका पालनपुर ग्रामीण और पालनपुर शहरीय, वडगाम, दांता, अमीरगढ़, धानेरा, दांतीवाड़ा, देवदार, लाखनी, डीसा ग्रामीण, डीसा शहरी, कांकरेज, थराद, वाव, सुईगाम और भाबर और 1251 गांव आते हैं। सड़कों पर दौड़ती अधिकतर गाड़ियों में अगर आप GJ08 लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि आप गुजरात के बनासकांठा जिले में मौजूद हैं। बनासकांठा तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां एक और सड़क मार्ग में पालनपुर और डीसा बनासकांठा जिले के दो प्रमुख शहर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के माध्यम से जुड़े हुए हैं। राज्य राजमार्ग 7 इस जिले को अहमदाबाद, पाटन जैसे गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है और डीसा पालनपुर राज्य राजमार्ग संख्या 54 और 56 के माध्यम से अंबाजी से जुड़ा हुआ है। वहीं बात अगर रेल मार्ग की करें तो बनासकांठा जिला में पालनपुर नाम का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। अन्य प्रमुख शहर जैसे कि डीसा, देवदार, धनेरा और भाबर भी रेल लिंक के माध्यम से जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। बनासकांठा जिले में डीसा में हवाई पट्टी है, लेकिन ये वाणिज्यिक हवाई अड्डा नहीं है। इस जिले का निकटतम वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। बनासकांठा जिले में प्राकृतिक और धार्मिक आकर्षण के रूप में कई सारे पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जहां घूमने के लिए सालों भर सैलानी आते रहते हैं। कुछ प्रमुख घूमे जाने वाले जगहों में जैसोर स्लॉथ बियर सेंचुरी, केदारनाथ महादेव मंदिर, श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर, श्री बलराम महादेव मंदिर, धार माता का मंदिर, दांतीवाड़ा डैम, रानी टंक महादेव मंदिर, बलराम पैलेस, श्री हर गंगेश्वर महादेव मंदिर, अंबाजी मंदिर, कैलाश टेकरी महादेव मंदिर, कुंभारिया जैन मंदिर, कामाक्षी देवी मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, पानीआरी वाटरफॉल, श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर, हवाई पिलर, इंडो पाक बॉर्डर नडाबेट इत्यादि मुख्य रूप से सम्मिलित है। दोस्तों, किसी भी पर्यटन स्थल में घूमने जाने से पहले अगर आप वहां के होटल और रिजॉर्ट्स के बारे में पता करके प्लांड वे में जाएंगे तो आपकी आगे की यात्रा काफ़ी सुविधाजनक होगी। बनासकांठा जिले के कुछ प्रमुख होटलों और रिजॉर्ट्स में बलराम पैलेस रिजॉर्ट चित्रसानी गांव पालनपुर, भवानी विला दांता, सनराइज पैलेस होटल अंबाजी मंदिर के पास, पितृकृपा गेस्ट हाउस डीसा बनासकांठा, होटल आकाश गंगा खुम्बरिया रोड बस स्टेशन के पास, शिवधारा रिजॉर्ट्स आबू हाईवे पालनपुर इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बनासकांठा जिले की जनसंख्या 31,20,506 है। इस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में 290 लोग रहते हैं। वहीं 1,000 पुरुषों पर 936 महिलाओं का लिंगानुपात इस जिले में है।
जबकि 66.39% के साक्षरता दर के साथ ये जिला गुजरात के सबसे कम साक्षर जिलों में से एक है। 93% की आबादी के साथ हिंदू धर्म यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा गुजराती और हिंदी भाषा बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। बनासकांठा जिले की अर्थव्यवस्था कृषि और फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, कपड़ा और खनिज आधारित उद्योगों पर आधारित है। इस जिले में फूड प्रोसेसिंग उद्योग ने पिछले 2 दशकों में टोटल 57% इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। ये जिला दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। अमूल के ब्रांड नाम के तहत एशिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी बनासकांठा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड पालनपुर है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग 59,134 लीटर दूध रोजाना खरीदती है। बनासकांठा जिला सब्जियों के उत्पादन में भी गुजरात राज्य में पहले स्थान पर है। गुजरात के कुल सब्जी उत्पादन का लगभग 17.67% का योगदान सिर्फ बनासकांठा जिला से ही आता है। ये राज्य में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजरी, मक्का, तंबाकू, अरंडी का तेल, ज्वार, साइलियम जिले के अन्य प्रमुख फसलें हैं। बनासकांठा जिला जूनागढ़ जिला और जामनगर जिला के बाद राज्य में तिलहन का भी तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस जिले में चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, भवन निर्माण पत्थर और चीनी मिट्टी सहित समृद्ध खनिज भंडार मौजूद है। ये गुजरात के लगभग संपूर्ण संगमरमर मांगों को पूरा करता है। वर्ष 2022 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक डाटा के मुताबिक बनासकांठा जिले का क्राइम रेट 108.26 है और गुजरात में सबसे कम क्राइम रेट वाले जिलों में ये जिला शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको गुजरात के बनासकांठा जिले के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में इसी तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।